my channel. This is Alina Mirza and I am back with a new vlog. It's the part 4 or 5. I don't know kaun sa part chal raha hai, but ek series hai jisme main aapko dikha rahi hu ki abhi tak maine kya kya cheeze apni salary se like buy kari hai. Just you know acha lagta hai you know apna dekh ke ki bhai humne kitni mehnat se kya kya cheeze buy kari hai. So abhi apna aapko this is I think the last one. Iske baad abhi main aur parts nahi banaungi. तो मैंने सारी चीजें ऑलमोस्ट दिखा दी हैं. अगर आपको चेक करना है तो आप पार्ट 1, 2, 3, 4 चेक कर सकते हैं. और इस पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं विद अस. ये थोड़ा स्किन केयर रिलेटेड चीज होगी इसमें. तो ये मैंने कुछ कैफीन के प्रोडक्ट्स खरीदे थे एक साथ. मैंने बहुत ज्यादा लाइक कॉस्ट की शॉपिंग कर ली थी स्किन केयर की. तो ये एम कैफीन है, नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट मेरे को इसके प्रोडक्ट चेक करने थे. तो मैंने इसका बॉडी लोशन वगैरह खरीदा था. एंड आई थिंक ये मैंने 2-3 times खरीद रखा है. मैंने जैसे गिफ्ट पर्पज के लिए भी चीजें खरीदती हूँ मैं कुछ, क्योंकि आई जस्ट लाइक गिविंग गिफ्ट टू पीपल यू नो सिस्टर्स एंड कजिन एंड ऑल. तो मतलब इस तरीके की चीजें मैं खरीद के रखती हूँ ताकि आई कैन गिफ्ट इट टू पीपल ऑल्सो, क्योंकि अच्छा लगता है यू नो स्पेशली गर्ल्स के लिए यू नो इस तरीके की स्किन केयर और ये सारी चीजें. तो इसलिए मैंने ये काफी 2-3 बार आई थिंक खरीद चुका है. ये कॉफी बॉडी स्क्रब है, ये बॉडी स्क्रब है, बॉडी लोशन है. आई थिंक एम कैफीन का एक मैंने व्लॉग बना भी रखा है. तो उसमें ना एक बॉडी वॉश, आलिया भट्ट का एक बॉडी वॉश था फेवरेट यू नो, तो उसके चक्कर में मैंने पूरा ये लिया था. और वो बॉडी वॉश का बहुत बुरा हाल हुआ, वो पता पूरा लीक कर गया. थोड़ा सा ही मुझे यूज करने को मिला, वो बिल्कुल कॉफी शेप का लगता है, बट एनी वे. फिर मैंने ना एक बॉडी ऑयल मंगाया था, बॉडी ऑयल, कॉफी बॉडी ऑयल. और आई थिंक मैंने बॉडी ऑयल मैंने इसका भी मंगाया था, प्लम का बॉडी ऑयल. तो बॉडी ऑयल इज समथिंग विच वी डोंट यूज यू नो इन आर डेली लाइफ. तो काफी यूनिक, इसमें भी मुझे थोड़ा वैरायटी चाहिए थी, ऐसी चीजें बाय करनी थी जो कभी यूज नहीं करी. तो बॉडी ऑयल काफी ऐसी चीजें तो नहीं यूज करते नॉर्मली लोग, बट आफ्टर यूजिंग इट मुझे अच्छा लगा है. तो दोनों अच्छे हैं वैसे तो, बट ये वाला इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है. फिर मैंने वाओ स्किन केयर के भी काफी प्रोडक्ट्स खरीदे हुए हैं, काफी यूज हो चुके हैं. तो जो चीज बची हुई है वो है ये फेस वॉश, ये रिफिल है वैसे तो. इसका वो जो स्क्रब वाला फेस वॉश होता है ना, वो 2-3 खरीदे थे, तो उससे रिलेटेड है ये सारे प्रोडक्ट्स. तो वाओ स्किन साइंस और एम कैफीन के काफी मैंने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं. तो आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपने यू नो यूज करे इन दोनों कंपनीज के तो कैसे लगे आपको. मुझे तो सही लगे, अच्छे लगे. नेक्स्ट जिस बिकॉज सेड आई लाइक डेकोरेशन, मतलब डेकोरेशन से रिलेटेड चीज है. बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज भी करने का बहुत मजा आता है यू नो, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर एंड ऑल दैट. तो उसके लिए बलून्स सबसे मेन मेजर जो एलिमेंट होता है बर्थडे पार्टीज का, कोई भी पार्टी का, वो बलून्स होता है. सो बलून्स के लिए मैंने ये मंगाया था, जो कि मुझे इतना खास नहीं लगा बिकॉज ये इससे ना थोड़ा सा बलून खुला उसके बाद ज्यादा नहीं हो रहा था, बट चलो थोड़ा सा तो हो ही गया. तो ये होता है ना अगर आज से आप अकेले हो और आपको सारे बलून्स यू नो फुलाने रहे, सो पूरा ये यू नो, तो इसलिए मैंने ये मंगाया था. बट इतना कोई खास नहीं निकला ये. बट अगर आप बता सकते हैं अगर कोई बहुत ही अच्छी कंपनी का हो जो कि पूरा बलून अच्छे से फुला दे तो प्लीज लेट मी नो. इतना इम्पोर्टेंट कैसे मिस कर दिया. ओके सो दिस इज समथिंग विच इज अ सेवियर फॉर ऑल द गर्ल्स. मुझे याद है आई यूज टू यूज दैट शेवर स्टिक्स जो होती है ना, जो जिसका भी एक बार ये जो हमें अपने यहाँ पे हेयर होता है तो ये बहुत ही बुरा होता है. आई डोंट लाइक टू यू नो शेव इट ऑफ, उससे काफी कट्स, कभी कभार ऐसा होता है कट्स लग जाते हैं या यू नो दाने निकल जाते हैं, नॉट गुड. तो मुझे ना इलेक्ट्रिक कुछ चाहिए था ट्रिमर टाइप का, तो मैंने ये फिलिप्स का बाय किया था और ये काफी कॉस्टली था. वैसे तो बहुत अलग अलग उसके भी आते हैं, बट मुझे लगा फिलिप्स क्योंकि यू नो काफी महंगी कंपनी है, मतलब फेमस कंपनी है, तो इसलिए तो मैंने ये प्रिसिशन ट्रिमर वहां का लिया. मेरा इतना कोई खास मुझे नहीं लगा ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब अच्छा है बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस मुझे इतना अच्छा नहीं लगता ये, क्योंकि यू नो बस यहाँ की मतलब आप फेस नहीं कर सकते. आई थॉट कि ये और भी यू नो और भी जगहों का ट्रिम रहता, बट इससे मुझे लगता है बस फेस का ही रहता है और काफी हल्का भी ब्लेड है ये. तो ये जो मुझे जो आया था ये वो खराब आया था, तो ये मैंने रिप्लेस करने के बाद मुझे ये नया वाला मिला और अभी तक तो ये सही काम कर रहा है. बट ये है कि थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी मुझे फिलिप्स से, बट चलो, बट फिर भी ठीक है, ये काफी यू नो सेवियर वाला प्रोडक्ट है तो ये काफी
एसेंशियल है. नेक्स्ट मैंने ये बाय करे थे, दीज आर कोरियन टॉवल्स. ये मैंने आई थिंक 4-5 बाय करे थे. और यू नो ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही बिकॉज कोरियन आई एम लाइक ऑब्सेस्ड विद कोरिया एंड कोरियन कल्चर और उसके प्रोडक्ट्स स्पेशली स्किन केयर एंड ऑल दैट. तो एक बार मैंने देख रही थी तो मुझे कोरियन टॉवल्स दिखे थे. ये काफी ना एक्सफोलिएटिंग टॉवल्स है, ऐसे वैसे नहीं है. या जैसे फेस अपना स्क्रबिंग कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो इसके हेल्प से कर सकते हैं. काफी यूनिक आइटम, वेरी नाइस. इससे मुझे याद आया एक्चुअली इससे एक चीज मैंने ली थी, दैट वॉज लाइक अ स्टोन स्क्रबर. बहुत ही पता नहीं कहाँ रखा हुआ, आई डोंट नो, बट जब वो आया था ना वो बहुत ही मैजिकल था. मैं यहाँ पे उसकी फोटो डाल दूंगी. बहुत ही मैजिकल था, यू नो आपका हेयर यू निकलता था यू, बट वो एक दो बार यूज करने के बाद वापस से नॉर्मल पे आ गया. तो मगर वो जो स्टोन था, मैजिकल स्टोन जो भी था, वो काफी अच्छा था. अगर एक दो टाइम के लिए बहुत अच्छा है, बट स्टार्टिंग में मुझे लगा वाह क्या चीज मिल गई, बट वो एक दो बार के बाद खराब हो गया. सो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है बट इफेक्टिव बहुत था वो. ये कुछ फेस केयर की चीजें थी. ये कुछ फेस जेल है, स्ट्रॉबेरी फेस जेल. ऐसे मैंने 2 डिब्बे मंगाए थे और ये अभी तक फुल भरे हुए हैं. इट हैज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉबेरी, क्या बोलते हैं, फ्रैग्रेंस काफी. तो ये जेल है बेसिकली, यू नो जिनको स्ट्रॉबेरी इस तरीके की चीजें सूट, ये सूट पे भी डिपेंड करता है. जैसे मेरी सिस्टर को ये सूट नहीं करा, बट मुझे कर लेता है ये सूट, तो मैं कभी कभार इसे यूज कर लेती हूँ. तो ऐसे मैंने 2 डिब्बे मंगा लिए थे. एलोवेरा के भी थे बट मेरे को स्ट्रॉबेरी ज्यादा पसंद था. फिर ये है, ये कुछ आई पैचेस मैंने ऑर्डर करे थे. बीच में मुझे आई पैचेस का बहुत शौक चढ़ गया था बिकॉज यू नो आई हैव डार्क सर्कल्स एंड ऑल दैट. बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, ज्यादा पढ़ते लिखते हैं, जो भी है फोन में ज्यादा घुसा, तो इसलिए डार्क सर्कल्स आजकल बहुत कॉमन है. तो इसलिए ना मैंने ये ऑर्डर करे थे, दीज आर डार्क सर्कल्स. आप मतलब रिमूव कर सकते हैं, मतलब ये आजकल काफी फेमस है. तो ये गोल्ड पैचेस है स्विस ब्यूटी के, और ऐसे ग्रीन टी कॉफी अलग अलग आते हैं, तो मेरे को गोल्ड ज्यादा अच्छा लगा. या एक चीज और रखी हुई है अंदर, काफी चीजें ना अंदर है तो, और टेबल भर गई थी तो मैंने सोचा चलो मैं ऐसी बता दूंगी. सबके सेपरेट वो तो है ही, सबके यू नो बस अपने अपने इंडिविजुअल ब्लॉग्स, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं. मैं यहाँ पे फोटो मेंशन कर दूंगी. एक मैंने आइटम मंगाया था ट्विस्ट, वो जो होता है ना नेल पेंट रिमूवर ट्विस्ट, स्विस ब्यूटी का ही था वो. तो वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, मैंने 2-3 शायद मंगाए थे उसके. तो ऐसे आप बस उसमें डालो और ट्विस्ट कर दो तो आपकी पूरी नेल पेंट छूट जाएगी. अच्छा था, इफेक्टिव था, बट इट्स गुड फॉर लाइक फिंगर नेल्स, नॉट फॉर द टो वंस. ओके, फिर ये बॉटल, क्योंकि मुझे बियर्ड चीजें मंगाने का शौक है, तो मैंने बॉटल मंगाई थी, डम्बल बॉटल. और ये मैं लेके जाती हूँ अपने कॉलेज पे. और इससे मुझे एक और बॉटल याद आई, मेरी बहुत ही क्यूट बॉटल थी. इट वॉज अ ग्लास बॉटल विद अ कवर एंड इट वॉज सो क्यूट. सिंपल ग्लास बॉटल थी, बहुत ही मैं उसे केयर से रखती थी, बट वो भी एक दिन फ्रीजर में रख दी मैंने और वो टूट गई. फिर ये बैग्स हैं बहुत सारे, यू नो हैंडी बैग्स हैं. ये मैंने काफी बैग्स ऑर्डर करे थे क्योंकि मुझे अलग अलग, मुझे हर कलर का बैग चाहिए था. इसका मैंने एक सेपरेट ब्लॉग भी बनाया, यू नो द बैग कलेक्शन वाला. तो ये बहुत अच्छे से है, जैसे आप इसमें क्रीम्स रख लो या कुछ भी हैंडी चीजें रख लो, ज्वेलरी रख लो, इस तरीके की चीजें. प्लस ये मैंने गिफ्ट पर्पज के लिए भी मंगाया था कि किसी को दे दो, सिस्टर वगैरह को, यू नो ये सबके यूज में आती है इस तरीके की बैग्स चीजें. और काफी अच्छी क्वालिटी है और बहुत अच्छे बैग्स हैं ये. तो मैं तो इन्हें यूज भी करती हूँ लाइक अपने पर्स में ना, बिकॉज मुझे क्या है, मुझे बहुत ऑर्गेनाइज करने की आदत है. जैसे मेरा एक बड़ा सा ब्लैक कलर का पर्स रहता है, उसके अंदर आई कीप दिस काइंड ऑफ स्मॉल बैग्स, उसमें छोटी छोटी चीजें, ताकि कंपैक्ट सब कुछ ऑर्गेनाइज है. सो उस पर्पज के लिए इस तरीके के बैग्स काफी अच्छे रहते हैं. फिर आई गॉट दिस वन, तो ये भी काफी क्यूट है. ये वाले बैग जो है, ये मैंने बेसिकली अपनी लॉन्ड्री वगैरह या कुछ यू नो मेकअप आइटम्स, मेकअप के लिए तो खैर नहीं, बट ऐसी चीजें जो यू नो मिलती नहीं है, या सॉक्स है, इस तरीके की चीजें आप इसमें रख लें, हैंडकरचीफ है, इस तरीके की चीजें, ठीक है. तो अच्छे बैग्स है, काफी अच्छी क्वालिटी के. ओके, तो बीच में मुझे एक बहुत ज्यादा शौक चढ़ा था मास्क का, फेस मास्क. तो मैंने बहुत सारे तरीके के फेस मास्क मंगा लिए थे. ये तो अब ऑलमोस्ट ये आई थिंक 10% बचे हुए और अभी भी 10% अभी यू कैन सी हाउ मच. तो ये इतने सारे मैंने ऑर्डर कर दिए थे, मतलब पता नहीं इतना शौक चढ़ गया था बीच में.
मैंने पता नहीं कितने, क्योंकि मुझे ना बहुत मन करा था अलग अलग जगह अलग अलग कंपनीज के फेस मास्क ट्राई करूं, उनके रिव्यूज बनाऊं एंड ऑल दैट, और काफी इफेक्टिव होते हैं वैसे फेस मास्क, जिन्हें शौक है उनके लिए काफी अच्छा है, बट अब मेरा शौक खत्म हो गया क्योंकि इतने सारे एक साथ हो गए कि अब मेरे ना बहुत ही नॉर्मल लगने लगा। स्टार्टिंग में बहुत ऐसा लगता था यार वाह फेस मास्क लगा रहे हैं एंड ऑल दैट, अब बहुत नॉर्मल है क्योंकि कहते हैं ना जब आपके पास एक चीज बहुत ज्यादा होती है फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, सो वही चीज इसके साथ हुई है। बट या आई कंटिन्यू यूजिंग इट बिकॉज काफी इफेक्टिव तो होते हैं ये। सो इसके अलावा दिस इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट बैग्स, ये मेरा पर्सनल मेकअप पाउच है, मुझे हमेशा से एक मेकअप पाउच चाहिए था जो गोल्डन कलर का और शिमरी, वैसे मैंने जो ऑर्डर किया था वो बहुत ज्यादा शिमरी था, ये इतना शिमरी नहीं आया, ये थोड़ा गलत वाला आ गया, बट दिस ऑल्सो लुक्स एलिगेंट एंड दिस इज ऑल्सो गोल्डन एंड इट लुक्स अमेजिंग। इसके अंदर मेरे कुछ मेकअप आइटम्स हैं, अभी मैं इसे सेट करूंगी अपना। तो ये इस तरीके के होते हैं ना जैसे एक तो आपने डिब्बों में भर भर के रख दिया अपना मेकअप या स्किन केयर, ये ऐसे बैग्स हैं कभी फंक्शन आ गया कुछ आ गया आपको कुछ या फिर एकदम से चाहिए अर्जेंट, तो इस मेकअप पाउच में अंदर मैं कीपिंग ऑल द स्टफ दैट इज इंस्टेंट, मतलब एक अपनी फेवरेट लिपस्टिक डाल दी, फेवरेट ब्लश डाल दिया, फेवरेट हाईलाइटर डाल दिया, सब कुछ अपना जो फेवरेट और मेन होता है ना यूज में जो आप लाते हैं, ये मैंने उसके लिए बनाया, बहुत ही क्यूट लगता है, स्पॉट लाइट बैग कहते हैं इसे। आई थिंक वी आर डन, ओह नो, वी आर ऑलमोस्ट डन स्किन केयर, तो अगर मैं दिखाने चलू तो यू नो इन बैग्स के अंदर बनी हुई चीज है, बट स्किन केयर एक मैं एक पूरा आपको कैटेगरी बता दी मैंने उसकी, ठीक है, जो उसकी एसेंशियल आइटम्स है जैसे इस तरीके के थोड़े बड़े वाले जो आइटम्स है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये भी मैंने बहुत ही शौक से खरीदा था क्योंकि मुझे ना एसेंशियल ऑयल्स का या ऐसे ऑयल्स जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, तो ये कुछ एक्सपेंसिव ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल, इसका मैंने आज ही रिव्यू कराया, सो ये मैंने विश केयर के प्रोडक्ट्स मंगाए थे, ऑलिव ऑयल और एक मैंने मंगाया था ये कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल हम सबको पता है मैजिकल ऑयल आपके हेयर और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बाकी कैस्टर ऑयल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड आई थिंक कैस्टर ऑयल इज गुड फॉर योर आई लैशेज एंड ऑल दैट, तो इस तरीके की मैंने कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स मंगाए थे, तो या ऐसी ऐसी चीजें मंगा रखी है, तो आप यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि कहाँ से लेके कहाँ तक का लेवल है और कैटेगरी। इसके अलावा जो मुझे याद आ रहा है काफी ऐसी चीजें हैं जो किचन से रिलेटेड भी थी, जैसे वो ग्लव्स थे वैसे वाले जो स्क्रबर ग्लव्स नहीं होते वो, उसके अलावा भी देयर लाइक लॉट ऑफ स्टाफ, इसके लिए मैं जो चीजें रह गई हैं क्योंकि मेरे पास अपनी शॉपिंग लिस्ट तो है उसकी मैं एक अलग बना दूंगी, बिकॉज मुझे ना एक अपना वो रखना है यू नो रिकॉर्ड की व्हाट डिड आई बाय, तो आई थिंक काफी हो गया है और मैं थक गई हूँ भी बोलते बोलते, सारे मैंने पार्ट आज ही शूट करे हैं। सो गाइज आप बताइए कि आपको ये कैसा लगा ब्लॉग और ये कैसी लगी मेरी शॉपिंग एंड व्हाट डू यू थिंक कि इज इट गुड यू नो कि आप अपनी चीजें खरीद रहे हैं एंड देन यू आर यू नो आप उसको एज अ काउंट रख रहे हैं कि या वी हैव अर्नड इट, एंड स्पेशली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, आई होप यू गाइज लाइक इट, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन, आई बी बैक विद न्यू वीडियो सुपर सून एंड न्यू वीडियो से। सो इसके अलावा अभी जो मैंने दो चीजें और ऑर्डर कर दी हैं और वो कुछ दिनों में आ जाएंगी, मैंने एक ट्राईपॉड करा है वो जो सेल्फी रिंग वाला ट्राईपॉड आता है वो, और एक मैंने क्या ऑर्डर करा है एक और चीज करी थी मैंने कुछ माय फोन कवर, मैं एक माय फोन कवर व्लॉग भी बनाऊंगी, मुझे ना मैंने एक सिलिकॉन कवर ऑर्डर करा है विच लुक्स वेरी क्यूट, सो या वो दो बाय दो, ये मेरा मेजर बाय है और ये मेरी जान है अभी फिलहाल, यू नो माई रिंग लाइट, ये मेरी सारी वीडियोस शूट करवाती है, ये मेरा अभी मेजर जो बाय है ना वो ये है, ऐसे हम लाइट को चेंज कर सकते हैं, वाओ आई फॉरगॉट दिस, दैट्स माय बीटीएस बॉटल गाइस, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट यू नो मेरा वो है क्या बोलते हैं खरीदी हुई चीज, क्योंकि ये बीटीएस से रिलेटेड है और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि बीटीएस हाउ लाइक व्हाट बीटीएस मीन टू मी, तो मुझे ये मेरा हर वक्त का फेवरेट बॉटल है यू नो हर वक्त रहती है मेरे साथ। एक बैग मैं भूल गई थी बताना, दिस इज द बैग
जो मेरे इस लुक के साथ काफी ट्रेंडिंग लग रहा है, काफी यू नो क्यूट सा बैग है ये, हैंडी बैग है काफी, यू नो अपना कुछ भी कैरी करा पैसे वैसे और निकल पड़े स्कूटी पे बाहर, क्यूट बैग, मुझे इस तरीके के बैग्स बहुत पसंद है।